वालेकुम, मोहम्मद कदीर फानी ऑटो लाहौर से। ये गाड़ी भाई मेरे पास शक्लगढ़ से लेके आए हैं। पहले काफ़ी देरी फ़ोन करते रहे, ये गाड़ी लोगों पे 10 का रही है, 9-10। फ्यूल की एवरेज का मसला है, मैं इसकी ट्यूनिंग खोली है, थ्रॉटल बॉडी भी ये मैंने खोली है, इसकी सारी मैं सेटिंग करने लगा हूँ। ये वाला जैन रबड़ का नहीं था, दूसरा लगाया हुआ था, कुछ सेंसर में फ़र्क है कह रहे थे, ये वाला भी ख़राब है, चोक फुल बंद है सारा कुछ। इसके अभी मैं टैपर करने लगा हूँ, टैपर करके ना इसके सारे प्लग शग वाश टैमिंग शैमिंग ये वो करके इंशाल्लाह मुकम्मल करके देता हूँ। चलो ये गाड़ी फ्यूल की एवरेज नहीं दे रही, टैबलेट इसका ये वाला टैबलेट बंद है, ये टैबलेट थोड़े थोड़े लूज हैं, ये वाला बिल्कुल इसके अंदर गेज नहीं जा रहा है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ही काम होता है, सही वरना चक्कर नहीं। ये वाले दोनों इंटेक का टैपर जो है ना, इंटेक का टैपर फुल बंद है, दो टैट हैं, दो लूज हैं, टैबलेटों के बगैर फ्यूल की एवरेज कभी भी सेट नहीं होनी। ये
भी सारे इनटेक के टैपर टाइट हैं, एक टैपर सही था बाकी सारे बंद थे, तो ये वाले भी टाइट हैं, ये सारे टैपर परफेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये वाले देख रहे हैं एग्जॉस्ट के जो हैं वो लूज़ है, ये मुकम्मल टैपर हैं, ये मुकम्मल करके ये मैं भी फाइनल कर लिया मैंने सारे टैपर, ये लूज ये भी टाइट हैं, अभी फिटिंग करके मुकम्मल मैं सेटिंग करके आपको चेक करवाता हूँ। देख रहे हैं इसके प्लग भी फुल ब्लैक हैं, वो प्लग लगे भी सही नहीं हुए, इसको एनजीके का प्लग लगते हैं, डेंसो लगे हुए हैं, इसकी प्लग की वायरें भी ख़राब हैं, सारी चीज़ें प्लग की वायरें भी इसको लोकल लगी हुई हैं बिल्कुल हल्की सी, क्योंकि इंजन जब हीटअप होता है ना ये वाला, ये हड्डी पिघल जाती है, गर्म हो जाती है। हाँ तो ये देखते हैं चेंज करते हैं कि नहीं कस्टमर, मेरा काम है बताना, बाकी देखते हैं प्लग भी देखते हैं नहीं लगा लें तो बेहतर है इनके लिए। ओके मैं बाकी सर्विस कर रहा हूँ, थ्रॉटल बॉडी के अंदर भी फॉल्ट है, फ्यूल बहुत ज़्यादा गाड़ी खा रही, लॉन्ग पे 10 खा रही है, ताकि 17-18 करना जी, देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ जी ये गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है, स्मूथ है, स्टिल है, आपकी बिल्कुल ठीक है, प्लगों का फॉल्ट, थ्रॉटल बॉडी का फॉल्ट, सेंसर का फॉल्ट था, सारे फॉल्ट मैंने निकाल दिए, बिल्कुल स्मूथ है, स्टिल है, फ्यूल की प्रॉब्लम थी, प्लग बहुत ज़्यादा ब्लैक थे, लॉन्ग पे 10 की एवरेज है, इसकी वायरिंग भी ख़राब है, इसका फ़ैन ऑटोमेटिक रहा है, अब बिल्कुल स्मूथ स्टील है इंशाल्लाह। आप गाड़ी की ट्राई करते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर मेरा पेज है तो फनी ऑटो के नाम से, ओके लव।